आज हम आपको एनाटॉमी ऑफ डॉट सूट के बारे में बताएंगे। स्पाइनस की डॉट सूट बोनी शाखा की एनाटॉमी आंतरिक संरचना के बारे में डिस्क्राइब करने वाले हैं। किस प्रकार से हमें इसका अनुप्रस्थ काट काटने पर ट्रांसवर्स सेक्शन कट करने पर हमें किस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। तो जो स्पाइनस की इंटरनल अनुप्रस्थ काट में हमें इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जिसमें सबसे बाहरी जो लेयर होती है इसको हम क्या कहते हैं, स्केली लीव्स की एक पट्टी चढ़ी रहती है। स्केली लीव्स इसको आवरण की हुई कवर की हुई ढकी रहती है। तो इस प्रकार के ये कुछ चितले से भाग रही है, स्केली लीव्स होती है। तथा तो बाहरी जो आउटर लेयर होती है, ये देखिए जो बाहरी लेयर ये दिख रही है, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं हम, एपिडर्मिस कहते हैं। ये सिंगल लेयर मोटी भित्ति की बनी होती है। ठीक, अब हम बात करते हैं नीचे की ओर। तो ये देखिए यहाँ पर क्या पाया जाता है, इसमें नीचे की ओर एपिडर्मिस के नीचे हम कह सकते हैं कॉर्टेक्स पाया जाता है। कॉर्टेक्स बहुत सघन पाया जाता है। तथा कॉर्टेक्स में क्या होता है, इनमें जो सेल्स होती है ओवल से अंडाकार होती है। इनमें अंतराकोशीय अवकाश पाए जाते हैं, जिसमें क्या होते हैं टैनिन्स तथा रेजिन कैनाल्स। देखिए रेजिन कैनाल बनी हुई है। कल मैंने आपको थोड़ा सा रेजिन कैनाल के बारे में बताया था कि ये किसकी, रेजिन कैनाल्स कैसी होती है, स्प्लेनिन काइमा की तथा अंदर बाहरी वृत्ति स्प्लेनिन काइमा तथा आंतरिक वृत्ति पैरेंट काइमा की बनी होती है। रेजिन कैनाल्स में क्या बनता है, रेजिन बनता है, प्राप्त होता है, टार्टिन आप कह सकते हैं। ठीक, तथा बीच में ब्लैक दिख रहे हैं आपको, ये देखिए ये क्या होती है, ये टैनिक सेल्स होती है। तो हम कह सकते हैं कि इसके जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स में इंटर सेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं, अंतराकोशीय अवकाश बोलते हैं हिंदी में इसको। तथा इसमें टैनिक सेल्स पाई जाती है, रेजिन कैनाल सेल्स पाई जाती है। ठीक, अब हम बात करते हैं नीचे की ओर आते हैं कॉर्टेक्स के बाद। और ये किसकी बनी होती है, कॉर्टेक्स की सेल, ये पैरेंकाइमा की मिलकर बनी होती है। हम कह सकते हैं कि ये पैरेंकाइमेटस सेल्स होती है। अब हम नीचे की बात करते हैं, नीचे की, क्योंकि ये सेकेंडरी ग्रोथ के माध्यम से बन रहा है तो इसमें द्वितीय वृद्धि शो होती है। आप देख सकते हैं जो ये अपर लेयर है इसको हमने प्राइमरी फ्लोएम नाम दिया। क्या बोलेंगे इसको, प्राइमरी फ्लोएम बोलते हैं। ये देखिए जो लेयर्स है, और उसके बाद सेकेंडरी फ्लोएम, क्योंकि आपको पता है मैंने बताया कि जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तब क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ किसके माध्यम से, जब जो कैम्बियम होता है, कैम्बियम में कैम्बियम की जो पट्टियां होती हैं उसमें द्वितीय वृद्धि के समय कैम्बियम अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम तथा बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करता है। तो सपोज अगर आप मान के चलिए कि देखिए कैम्बियम है, ये कैम्बियम की रेस है, और कैम्बियम की रेस में जब उसमें विभाजन होगा द्वितीय वृद्धि, तो ये ऊपर की ओर से क्या बनाया, सेकेंडरी फ्लोएम। जैसे मान लीजिए ये कैम्बियम है, ठीक, तो कैम्बियम के ऊपर इसमें सेकेंडरी फ्लोएम क्योंकि न्यू बन रहा है, और प्राइमरी क्या है, सबके ऊपर की ओर चला जाता है। जैसे जैसे ग्रोथ होती जाएगी तो प्राइमरी ऊपर की ओर और सेकेंडरी यहाँ से इस साइड आता जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ देखिए सेकेंडरी, और जैसे कैम्बियम नीचे की ओर क्या बनाता है, सेकेंडरी जाइलम तथा, और यहाँ जो इसकी ओर न्यू जाइलम बनता है, तो ये पुराना जाइलम है वो कहाँ होता है, यहाँ इसकी ओर नीचे की ओर सबका आता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो सेकेंडरी जाइलम है कौन सा है, ये जो जाइलम है सेकेंडरी जाइलम, तथा जो प्राइमरी जाइलम होता है, जो प्राइमरी जाइलम है नीचे की ओर खिसक आता है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा है विभाजन, और यह जो सेकेंडरी जाइलम जहां प्राइमरी जाइलम, जहां प्राइमरी जाइलम में दो भाग है, दो भागों में डिवाइड हो सकता है, एक मेटल जाइलम हो सकता है, एक प्रोटोजाइलम हो सकता है। तो जो मेटल जाइलम है देखिए ये सेल्स है, और प्रोटोजाइलम नीचे की ओर अंदर की ओर होता है। जो इसमें जो स्टीलिंग कंडीशन होती है, जो स्टील है, ये स्टील में कैसे होते हैं, इसमें छह या सात छह तक संख्या में स्टील पाए जाते हैं। तथा ये इसको हम बोल सकते हैं एक्टोफोलिक साइफरो स्टीलिंग कंडीशन इसमें पाई जाती है। तथा ओपन कंज्वाइंट कोलेट्रल, ठीक है, एवं एंडार्ज प्रकार के इसमें स्टील पाई जाती है। एक बार और सुन लीजिए, कंज्वाइंट कोलेट्रल ओपन खुले प्रकार से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बीच में खंड नहीं, खुले प्रकार में ये बहुत सारे वैस्कुलर बंडल्स, ये तो सिर्फ छोटी सी स्ट्रक्चर आपको बताई गई, इसी प्रकार से पूरा सर्कल बनाते हुए एक पूरा आपका ट्रांसवर्स सेक्शन होता है, जिसमें मैंने छोटे से भाग को डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक, और मध्य में क्या
व्यवस्थित नहीं होता, ठीक है। आई होप आपको एनाटॉमी ऑफ डॉग सूट की स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छी समझ में आई होगी, लेकिन अगर कोई पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं है आप उसे पूछ सकते हैं। फिर भी मैं एक बार आपको फिर से ये बताना चाहूंगी कि जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो किस प्रकार से होती है, ये पॉइंट आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। बिकॉज यहाँ क्या होता है, ये मान लीजिए यहाँ पर ये क्या होती है, कैम्बियम की पट्टियां होती है, और सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कैम्बियम का होना बहुत आवश्यक है। कैम्बियम में द्वितीय वृद्धि के समय कैम्बियम में विभाजन के स्वरूप, आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, द्वितीय वृद्धि के समय कैम्बियम में विभाजन के फलस्वरूप नीचे अंदर की ओर जाइलम, द्वितीय जाइलम तथा बाहर की ओर, ये देखिए बाहर की ओर द्वितीय फ्लोएम का निर्माण होता है। आप देख सकते हैं बाहर की ओर द्वितीय फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम ये, ठीक, अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम ये, और प्राइमरी यहां पहुंच गया फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम यहां, ओके, ठीक। अगर आपको समझ में आता है तो आप, अगर नहीं कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।